Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम क्राइम वॉच में आवां अवां जो मेज़बान गाजी झडेर। अजो के क्राइम वॉच की शुरुआत असीं कंदासीं सिंध में रोलू कुत्तन छितन कुत्तन जे डाहण वारा जेके वाकिया आहिन उहे अञा ताईं घटजी न सघिया आहिन। उन जी जेका शिद्दत आहे उहा ख़तमु न थी सघी आहे। मकानी खातनि वारे इदारनि ते इहा ज़िमेदारी लागू कई वई हुई त हू मुख़्तलिफ़ पहाड़नि शहरनि रोडनि रस्तनि में रुलंदड़ आवारा कुत्तनि खे हटाइनि ऐं उन्हनि खे मारे हिन सोसाइटीअ खे इंसाननि खे रिबीज़ जहिड़ी ख़ौफ़नाक बीमारीअ खां बचायो वञे। हिन हवाले सां सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच जा हुकुम बि मौजूदु आहिनि ऐं अदालत में केस बि हलंदड़ आहे, पर अमली तौर ते इन ॾिस में का ख़ासि कार्रवाई मकानी इदारनि समेत लाॻापियल इदारनि जे साम्हूं न पई अचे, जंहिंजे करे भेरे भेरे सां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां ख़बरूं अचनि पियूं कुतनि जे ॾाढजण जो शिकार बणजनि पिया आम माण्हू वाटेड़ू, ख़ासि तौर ते मासूम ॿारा नंढी उमिरि वारा ॿार शिकार बणजनि पिया कुतनि जे ॾाढण जो, जंहिंजे करे रिबीज़ जहिड़ी ख़ौफ़नाक बीमारी में मुबतला थी केतिरा ई इंसान जूं ज़िंदगियूं ज़ाया थी चुकियूं आहिनि। अॼु सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में हिन हवाले सां सख़्तु ऑब्ज़रवेशन आई आहे। ॿुधणी दौरान ॿुधायो वञे पियो त हाई कोर्ट जे जज साहिबान इहो ऑब्ज़रवेशन ॾिनी आहे या रिमार्क्स ॾिना आहिनि त जेकॾहिं कुतनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करण में मकानी इदारा या लाॻापियल इदारा नाकाम वेंदा त हद तक जे एम पी एम एन ए जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वेंदी। हिन हवाले सां मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि नाले वारा कानूनदान रहमतुल्ला मंगणे जो साहिबु, जेके हिन केस में सिविल सोसाइटी जी पैरवी करनि पिया। उनखां मालूम कंदासीं त अॼु जेका सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में ॿुधणी थी उनजा छा हाल अहिवाल आहिनि। मंगणे जो साहिबु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंगणे जो साहिबु, हीउ जेको केस आहे हाई कोर्ट में जंहिंमें तव्हां फरियादी जी पैरवी करियो पिया सिविल सोसाइटी जे तरफ़ां, बुनियादी तौर ते इहो आहे त जेके स्टेट जा लाॻापियल इदारा आहिनि उहे फंक्शन न पिया करनि, जंहिंजे करे आम माण्हू शिकार बणजनि पिया कुतनि जे ॾाढजण जो ऐं उहे ख़ौफ़नाक बीमारी में मुबतला थियनि पिया। अॼु जेका ॿुधणी थी आहे हाई कोर्ट में थोरो ॿुधाइजो त उन में छा प्रोसीडिंग थी आहे कोर्ट सगोरी जी। ॾिसी अॼु केस असांजो रखियलु हुयो जेको आहे डाक बाइट जे हवाले सां, अनंतपुर हाई कोर्ट अॻु में बि जेको आहे सो फ़ैसिला ॾेई चुकी आहे हिन में, ऐं हिन में जेके बि ज़िमेदार इदारा आहिनि उहे मुकमल तौर ते नाकाम थिया आहिनि। अॼु बि जेके रिपोर्ट्स वग़ैरह उन्हनि पेश कयूं त उनमें अदम इतमाद जो इज़हार कयो अदालत सगोरी, ऐं उन्हनि खे वार्न कयो त जीअं जेकी तव्हां रिपोर्टूं खणी अचो था पिया इहे सिर्फ़ु अदालत खे गुमराह करण जी हिकिड़ो कोशिशि आहे तव्हांजी, छो न तव्हांजे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो सख़्त एक्शन खयो वञे ऐं बलदियात जी सेक्रेटरी जेको आहे उनखे असां घुराए ऐं इहो हुकुम ॾींदासीं त जेकॾहिं तव्हांजा हीअ इदारा नाकाम थियनि था हिन खां कमु नथो थिए त उन्हनि जंहिं जंहिं बि हथ में हीउ वाक़ियो थिए थो डाक बाइट जो, उनजो सी एम ओ आहे टी एम ओ आहे या जेके बि लाॻापियल उन जेको आहे इदारे जा मुलाज़िम आहिनि हाईकोर्ट जे अमल हुकुम ते अमल न पिया कनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु क़दम खयो, उन जी सैलरीज़ रोकियूं वेंदियूं ऐं उनखे सरप्लस स्कूल में रखियो वेंदो। जी, इहो त हुयो मकानी इदारनि वारे मुलाज़िमनि जे ख़िलाफ़ु कोर्ट सगोरी जी ऑब्ज़रवेशन या रिमार्क्स, पर चूंडियल अवामी नुमाइंदनि जे हवाले सां बि को डिस्कस थियो आहे अॼु कोर्ट में? जी जी जी, अदालत हिन मुतालिक़ बि सख़्तु रिमार्क्स ॾिना अॼु त छो न जेको आहे सो चूंडियल नुमाइंदे जेको हद जो एम पी एम एन आहे जिते बि इहो वाक़ियो थिए थो डाक बाइट जो, छो न उन्हनि जे ख़िलाफ़ु क़दम खयो खयो वञे ऐं उन्हनि जी जेको आहे मेंबरशिप मुअतल थी वञे जीअं उहे सेनेट में बि वोट ॾियण जा जेको हक़ पंहिंजो विञाए वियल। वकील साहिबु, छो कोर्ट में बहस थियो हूंदो यकीननि, छो कोर्ट सगोरी खे इहो महसूसु थियो त जेके एम एन एज़ एम पी एज़ आहिनि उहे बि सिधी या अणसिधी रीति हिन सूरत हाल जा ज़िमेदार आहिनि? अनंतपुर कोर्ट जो इहो चवणु हुयो त जेके हीअ अवामी नुमाइंदा आहिनि अवाम खां वोट वठी वञनि था, उन्हनि जे मुआशी ऐं इंसानी ज़िंदगी आहे उनजे सिहत लाइ उन्हनि सां वाइदा करे वञनि था, पर उहे जेको आहे उन्हनि जा वफ़ा कोन था थियनि त इहे बि उन्हनि जा आफ़िसर सां गॾु बराबरि जा शरीक आहिनि ऐं इन्हनि जे चवण ते आफ़िसर्स जेको आहे सो उहे तइनात कया था वञनि, उनखे कमीशन उनखे मिले थी, उनजी बजेट बचे कोन थी, उहो ई जेको आहे सो सबबु आहे छो न उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेके मेन माण्हू आहिनि उनजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वञे जीअं इन ते सचीअ सां अमल थी सघे।
मंगलेश साहब ही जो केस है इन में पैर कोर्ट यो हुकुम जारी कयो हो जे मुख्तलिफ़ यूसीज जहाँ टीएमएस जहाँ सेक्रेटरीज आहिन अमलदार आहिन जिते जिते ये डार्क बाइडिंग जहाँ वाक़ा पेश इंदा उन खिलाफ़ एक्शन किया वो उन एफ आई आर दाखिल थन्दूँ या प्रैक्टिस असं नज़र भी आई पर उन हूंदे भी ये डार्क बाइडिंग वाला जो केस आन उन जब्तो अची न सको अज ही तमाम सख्त रिमार्क्स जे सखर हाई कोर्ट जी डबल बेंच दिना तो चूंडियल एम पी एस एम एन एस के खिलाफ भी कार्रवाई कई वेंदी जैसे इन ही जो सिलसिलो है डार्क बाइडिंग जो इन कंट्रोल न किया वो तो जी अज उन यूसी सेक्रेटरी की तरफा भी वकील पेश किया फंड वगैरह मुहैया ना क्या वन उन यूसी सेक्रेटरी जो कोई भी इनमें अमल दखल ना उनके फंडन की खोट है उनके ऑपरेशन आो कामयाब न तो वे लिहाजा जो कोर्ट सगुरी की एक्स्ट्रा केस में यूसी सेक्रेटरी के खिलाफ जो साइन कोर्ट सगुरी ऑर्डर किया उन विड्रॉ कर वे उन हवालों भी दिनों सुप्रीम कोर्ट जो जैसे आनबल जज रिमार्क ना सुप्रीम कोर्ट उनके सिर्फ अरेस्ट का रोको है पर इन भी के खास नतीजा हासिल न थी सकिया हर यूसी की 5 लख रुपया बजट है जै साहब ऑब्जर्वेशन तो उ 5 लख खारी था वन पा इनमें बिल्कुल यूसी सेक्रेटरी भी बराबर के शरीक है उनकी भी जिम्मेवारी है टीएमएस समेत यूसी सेक्रेटरी के अदालत सगोरी इन समूरी सूरत हाल जो जिम्मेवार करार दे पई है हाँ चूंडियल अवामी नुमाइंदन के भी सीधी या अनसिधी रीत जिम्मेदार करार दिनों वे पो सब यो ही है जो अदालत जड़ा रिमार्क्स सामू आया वकील साहब यो बुझाजो तो यो केस केतरे अरसे वी हले पो इन में हिंसर तीन की जो प्रोसीडिंग है उनमें सरकार जहाँ कड़ा कड़ा इदारा इन केस से कनेक्टेड आन ही तकरीबन में इदारा तो ये जो सखर म्युनसिपल जहाँ इदारा जे टी एम ओ सी एम ओ या यूसी सेक्रेटरी या बल्दियात जो खातो है उ इनमें जिम्मेवार इनके खिलाफ कदम खड़ा है हमेशा उसे कागजन की खानापूरी करो रिपोर्ट जमा कराइंदा रहा है काफ़ी महीनों का ये केस हली रो है जैसे अदालत सगोरी सख्त फैसला दिना है इनमें केस में जो टाइम भी फिक्स कर वे अदालत सख्त भरम ही इजहार कही रही है हर हाजिरी से अज भी उन्होंने पेश कर रिपोर्टन से जो गेस्ट सिलेबस करार दई कर रद्द कर 16 मार्च से 20 की बुधनी रखी रही है 11 बजे वरी मेहरबानी अवां जी नाले वाला कानूनदान रहमतुल्लाह मंगनेजो साहब अवां वक्त दिनों आवाज़ टीवी के व्यूअर्स की बदकिस्मती वाली सूरत हाल है सिंध में कुत्तन के डाढ़ण सबब केतरा ही बार खास तौर से आम तौर से सिंधवासी मुतासिर थियन पाया भेरे भेरे से तवां बुधूँ पाया तो नंढन वड़न शहरन में गोठन में वाहणन वसंदन में कुत्तन के डाढ़ण सबब मानू जख्मी थियन था उन्होंने केतरा ही मानू साइड इफेक्ट्स जो शिकार थियन था रिबीज नाले से जो बीमारी है कुत्तन में जो वायरस इंसानी जिस्म में मुंतकिल थे तो उनको शिकार थी जिंदगी का महरूम थी चुका है इन हवाले से बिन इदारन से गडो गड अदालत में ही दरख्वास्त पहुंचल है अदालत सखर हाई कोर्ट इन हवाले से लागी तो बुधनी कंदी अचे पई केस की पैरवी कई वे पई पर हिंसर तीन इन जब्तो न अची सको है जी रहमतुल्लाह मंगने जो बुधाए पो तो अदालत सगोरी अज भी अदम एतमाद जाहिर किया है लागापियल इदारन से खास तौर से जिम्मेदार करार दिनों वे पो मकामी मकानी इदारन के आम तौर से जो बया लागापियल इदारा ये एकड़ो रुख है तस्वीर जो जो मकानी इदारा उ शहर गोठन आबादी में घुमंदड़ वारा कुत्तन जो खात्मो आने में नाकाम रहा मुसलसिल नाकाम रहा थोड़े जो उन खिलाफ़ एफ आई आर जो ऑर्डर जारी किया वो तदें भी नाकाम रहा पर बियो जो तस्वीर जो रुख है तो जैसे इन सूरत हाल जो शिकार बणजन था आम सिंधवासी आम मानू जैसे कुत्तन के हथा डाड़ी वन था उन अस्पताल में सहूलतू आन उनकी अणाठ महसूस कई वे पी अज भी सिंध के केतर ही शहर में नंढन अस्पताल में नंढन शहर में एंटी रिबीज जो इंजेक्शन्स अवेलेबल ना जैसे कर आम मानून जो हयातियों दाव से लगल रहन थियं इन हवा से लागीतो मीडिया में बहस रो है सोशल मीडिया में बहस रो है हाँ आला तरीन अदालत सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में इन हवा से बुधनी हले पई है अज कोर्ट सगोरी
या ऑब्जर्वेशन ॾिनी आहे त हिन समूरी सूरत हाल जी ज़िमेदारी ॿियनि इदारनि सां गॾोगॾु चूंडियल इलाइक़नि जे तकनि जे चूंडियल एम पी एस ऐं एम एन एस ते बि लागू थिए थी ऐं जेकॾहिं उहे बि संजीदा न थींदा हिन सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण लाइ या हिन अज़ाब खे रोकण में उहे पंहिंजो किरदारु अदा न कंदा त उन्हनि जे ख़िलाफ़ु मुअतलीअ वारा या उन्हनि खे डीनोटिफाई करण वारा हुकुम जारी करे सघजनि था। इंतिहाई सख़्तु रिमार्क्स आहिनि ऐं वॾा रिमार्क्स आहिनि इन करे इन बुनियाद ते जो अदालत ही जेके रिमार्क्स ॾिना आहिनि उहे जेको सिस्टम आहे मुख़्तलिफ़ जेके सरकारी इदारा आहिनि उन्हनि जी परफॉर्मेंस खां मायूस थी करे ॾिना आहिनि। व्यूअर्स वक़्त ते ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ पाण वापसि ईंदासीं ऐं हलंदासीं सांगड़। सांगड़ में हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे, फुर या धाड़े जी वारदात दौरान घर धणी मारिजी वियो आहे। सूरत हाल छा आहे समूरो कुझु तव्हांजे साम्हूं रखिबो।